दोस्तों आपका हमारे और अपने चैनल टेक शोमी में दोबारा स्वागत है। आज का वीडियो होगा हमारा होनर 8X के ऊपर। यह है हवाई का होनर 8X। इसका मैं आज आपको रिव्यू देने वाला हूँ 3 मंथ्स के बाद। ये फोन कैसा चल रहा था, कैसा क्या है, कैसी का परफॉर्मेंस है, कैसा इसके मतलब कैसी स्पीड है, बैटरी बैकअप कैसा है और सबके बारे में बताऊंगा आज मैं आपको होनर 8X के बारे में। तो बने रहिए हमारे वीडियो पर, और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको फोन कैसा लगा। दोस्तों जैसे देख पा रहे होंगे आपका ये होनर 8X है, इसका पूरा ग्लास है पीछे से देख पा रहे हैं, इस पर लिखा हुआ है AI कैमरा। इसका एक कैमरा है 20 मेगापिक्सल का, दूसरा कैमरा सेकेंडरी कैमरा इसका 2 मेगापिक्सल का। और दोस्तों इसका कैमरा अमेजिंग मतलब बहुत अच्छा कैमरा है, और इसमें AI मोड, स्लो मोशन मोड, आपको सभी मोड मिल जाएंगे आपको, जो आप एक फ्लैगशिप तो ग्रेड नहीं कह सकते लेकिन फ्लैगशिप ग्रेड से कम नहीं है इसकी, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कितनी फिनिशिंग है, आप देख पाओ कैसे फिनिशिंग है इसकी। होनर ने बहुत अच्छा फिनिशिंग दिया हुआ है, और आपको फ्रंट स्क्रीन देखिए, स्क्रीन इसका बहुत बहुत ब्राइट स्क्रीन है, आप देख पा रहे होंगे। इसका जो टच रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी बहुत अच्छी है आपको इसमें। देखो मतलब वाटरप्रूफ नोच का तो नहीं मिलता, लेकिन वो पुराने वाला नोच मिलता है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका जो फ्रंट कैमरा है वो 16 मेगापिक्सल का है, जैसे कि आपको दिखा दूँ मैं आपको फ्रंट कैमरा, ये ओपन करूँगा, इसमें आप देख सकते हैं फ्रंट कैमरा, ठीक है, फ्रंट कैमरा देख पा रहे हो फ्रंट कैमरा। और मैं आपको फ्रंट कैमरे कुछ सैंपल आपको दिखा दूँगा। इसमें जो बैक कैमरा है बहुत अमेजिंग है, और इसका फ्रंट कैमरा अमेजिंग है, और जो इसके अंदर बैटरी मिलती है आपको मिलती है 3750 mAh की बैटरी मिलती है। और इसमें जो इसकी ग्रिप है, इसकी जो वो है ना क्वालिटी बहुत हाई है, मतलब आपको फील नहीं होगा कि आपने हाथ में 14-15 हज़ार का फ़ोन खड़ा हुआ है, आपको 25-30 हज़ार का फ़ोन लगेगा। अच्छा इसकी हम गेमिंग की बात करें, गेमिंग में कैसा चल रहा है फ़ोन, गेमिंग में फ्रेंड बहुत लाजवाब चल रहा है। देखो मैं आपको पबजी प्ले करके दिखाऊंगा, पबजी मैंने प्ले कर दिया है, आप देख पा रहे हो पबजी के, देखिए पबजी इसमें इतना स्मूथ चलता है, इतना स्मूथ चलता है। चलो आप अब तो आप इसकी रैम है 4GB और 64GB इंटरनल, 4GB रैम 64GB इंटरनल। इसकी जो स्टोरेज है वो है UFS 2.0। आपको पता होगा UFS 2.0 क्या होता है, एक आता है EI, एक हाँ IES आता है, वो पुराना है। ये UFS 2.0 बहुत अच्छा स्टोरेज है, इसका जो प्रोसेसर है वो इसमें है क्रीन का 710 प्रोसेस, जो कि आपको GPU टर्बो के साथ टेक्नोलॉजी में आपको मिलता है। और इसका जो लुक है, इसमें एक हेडफोन जैक देख पा रहे होंगे आप, फोकस, हाँ एक हेडफोन जैक है 3.0, और इसमें USB माइक्रो USB मिलता है। हमने इसमें टाइप सी का वो किया था लेकिन होनर ने अपने को दिया नहीं। इसमें एक ऊपर माइक्रोफोन मिल जाएगा, देखिए आप देख पा रहे होंगे माइक्रोफोन के मिल गया, ठीक है। बस कुछ नहीं फ्रेंड्स, फ़ोन अच्छा है, अगर आपको 14 हज़ार की लेना है तो आपका ऑप्शन है बहुत, सैमसंग M20 ले सकते हो, और आप रियलमी U1 ले सकते हो या रियलमी 2 को ले सकते हो, लेकिन फ्रेंड हम बताएं होनर का लेंगे तो मस्त है, होनर का सेट ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और भी आपकी विश है। लेकिन मेरा जो 3 महीने का इसके साथ एक्सपीरियंस रहा है वो इतना अमेजिंग रहा है कि पूछिए मत। इसका कैमरा, इसकी क्वालिटी, इसकी बिल्ड क्वालिटी, इसकी परफॉर्मेंस, सब कुछ फ़ोन ऑलराउंडर फ़ोन है ये, देखिए टच तो इसकी इतनी मक्खन चलती है कि पूछिए मत। और इसका आपको साउंड क्वालिटी सुनाता हूँ, देखते हो यूट्यूब खोलता हूँ मैं, साउंड क्वालिटी तो फ्रेंड रहने दीजिए, नहीं तो हमारे चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा, इसलिए इस पर साउंड क्वालिटी नहीं चलाएंगे, कॉपीराइट आ सकता है, इसलिए हमारा चैनल बंद हो सकता है, तो इसलिए नहीं करेंगे। विश्वास मानिए ये फोन आपको 15 हज़ार का बिल्कुल फील नहीं होगा, बिल्कुल फील नहीं होगा। इसमें जो हाँ एक चीज़ और है, इसमें जो आपको दिख रहा है ना सिम स्लॉट, इसकी फोकस ऊपर हाँ थोड़ा फोकसिंग प्रॉब्लम है, बिल्कुल इसमें आप 2 सिम नहीं, हाइब्रिड सिम स्लॉट नहीं, इसमें डेडिकेटेड सिम स्लॉट है, मतलब 2 सिम और 1 माइक्रो SD कार्ड आप बिल्कुल बिंदास से लगा सकते हैं,
इसमें इसका जो स्पोर्ट है ना माइक्रो एसडी कार्ड 400 GB तक, लेकिन कंपनी पागल बनाती है इतना स्टोरेज। तो मेमोरी कार्ड लेंगे तो आपको बहुत महंगा पड़ेगा, जैसे कि 9000-8000 का पड़ेगा आपको। लेकिन अच्छा फ़ोन है, बस थोड़ा फिंगरप्रिंट डिस्प्ले आ जाते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है इस पर ऐसे साफ करके। मैं तो इसका लुक पे इतना पागल हो रहा हूँ, 20+2 मेगापिक्सल कैमरा, 20+2 मेगापिक्सल। आगे से डिस्प्ले तो इतनी मस्त है, इसमें देखो हर साइड में वॉलपेपर चेंज होगा, कभी ये वॉलपेपर आया कभी ये आया, लेकिन फ़ोन अच्छा है। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, आप जो हमारे चैनल पे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में हमको बताइए कि आपको फ़ोन कैसा लगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए। अगर आप आगे कोई ऐसी फ़ोन के रिव्यू के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझको बताइए आप किस फ़ोन का रिव्यू देखना चाहते हैं, तो मैं आपको उस पर बताऊँगा। मतलब मेरे पास तो यही है, एक होनर 8X है, एक रियलमी 2 है, बस 2-3 फ़ोन और है, बस आज के इतने ही। जैसे कि आप बताएंगे तो मैं फ्रेंड से पूछूंगा, उससे मतलब फ्रेंड की मतलब ओपिनियन करके अच्छे लूँगा, उससे ये नहीं कहूँगा तुम्हारे पास फ़ोन तो कैसा है, उसका जो सच होगा वो पूछूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए वीडियो इतना ही, बस अब मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके बाय।